जैसा आप जानते हैं कि हम एनिमल्स पर लगातार वीडियो अपलोड करते आ रहे हैं, जिसे आपके द्वारा बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। हमें इस प्रेम से बड़ी ऊर्जा मिलती है कि और भी इंटरेस्टिंग एवं नॉलेजेबल टॉपिक्स पर वीडियो बनाए जाए, जिससे आज की यंग जनरेशन साइंस की तरफ मोटिवेट हो सके। कुछ भाइयों के कमेंट्स एवं सुझाव मिल रहे हैं कि कुछ वीडियोस प्लांट्स यानी फ्लोरल डाइवर्सिटी पर भी अपलोड किए जाने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे अपोजिट लीफ पिक के बारे में, जिसे हिंदी में कठगुलर कहा जाता है, जैसा आप देख पा रहे हैं। इसका साइंटिफिक नेम फाइकस हिस्पिडा है, जो फैमिली मोरेसी का स्मॉल ट्री है। दोस्तों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फाइकस जीनस में लगभग 850 स्पीशीज पाई जाती हैं, जिनमें वुडी ट्री, श्रब्स, एपिफाइट्स एवं हेमी एपिफाइट्स प्रकार के प्लांट्स की वैरायटीज सम्मिलित हैं, जिनमें कुछ का इकोनॉमिकली एवं कुछ का इकोलॉजिकली उपयोग तो है ही, कुछ प्लांट लॉन की भी शोभा बढ़ाते हैं। इनके फ्रूट्स बर्ड्स के अट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण होते हैं। अगर हम किसी भी प्लांट की बात करें तो मुख्यतः सभी प्लांट ऑक्सीजन यानी प्राण वायु का सबसे बड़ा सोर्स होते हैं। अपोजिट लीफ फिग यानी कठगुलर एक प्रकार का मैजिकल ट्री होता है, जो इंडिया, सदर्न चाइना से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक में पाया जाता है। दोस्तों, मॉर्फोलॉजिकली ये प्लांट गाइनोडायोशियस लगता है, लेकिन फंक्शनली डायोशियस होता है, यानी मेल एवं फीमेल फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट पर लगते हैं। मेल प्लांट उभयलिंगी यानी हर्माफ्रोडाइट प्रकार का होता है, जिनमें स्टेमन फ्लावर्स होते हैं। इनसे कोई बीज नहीं बनता, लेकिन वाष्प जैसे पॉलिनेटर्स के लिए गॉल्स बनाते हैं, जबकि फीमेल प्लांट में पिस्टिलेट फ्लावर्स पाए जाते हैं, जो सीड का प्रोडक्शन करते हैं एवं पोलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट नहीं करते। दोस्तों, कटगुलर ट्री की हाइट 15 मीटर तक हो सकती है, जिनकी ब्रांचेस पर ब्राउनिश टू व्हाइटिश हेयर्स पाए जाते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये एवरग्रीन प्रकार का ट्री होता है, जिनकी लीव्स सिंपल एवं वैक्सी होती हैं। दोस्तों, इनके कच्चे फ्रूट्स को वेजिटेबल्स की तरह पकाकर खाया जाता है, जबकि पके हुए फ्रूट्स टेस्टी होने के कारण ऐसे ही खाए जाते हैं। बात जब कटगुलर के औषधीय गुणों यानी
मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की होती है तो इनमें अनेक चमत्कारिक यानी मैजिकल गुण पाए जाते हैं। इनकी रूट्स का जूस फीवर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, जबकि इसकी बार्क एंटी पीरियोडिक एवं एंटी वॉमिटिंग होती है और शक्तिवर्धक के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त इस प्लांट का यूज डायरिया, अल्सर्स, एनीमिया, डायबिटीज, इन्फ्लेमेशन, स्किन डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिजीज, एंटीमाइक्रोबियल एवं वुंड हीलिंग आदि बीमारियों के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। इसके उपयोग से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श लेना अनिवार्य है। दोस्तों, आज का विषय आपको कैसा लगा कमेंट कर हमें बताएं। बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।